पश्चिम चंपारण जिले के अधिकतर गांवों में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बीज ग्राम योजना, श्री विधि योजना तथा मुख्यमंत्री तीव्र बीज योजना का लाभ किसानों को नहीं मिलना या सही समय से उपलब्ध नहीं होना ये आम बात है। प्रखंड गौनाहा के गांव रुपुलिया के छोटे किसानों को प्रखंड कृषि कार्यालय से बीज नहीं मिलने की वजह से शहर से ही महंगी बीज खरीद कर खेती करना पड़ता था या घर का ही बीज लगाना पड़ता था। सरकार के द्वारा जो भी समय पर बीज खाद जो किसानों को उपलब्ध कराने के लिए जो नियम कानून है वो समय पर नहीं मिल पाता है। अभी इस साल तो बीया मिल भी नहीं दिया, लोग खुद खरीद करके बीज भंडार से बीज गिरा रहे हैं, लोग अपना खाद खरीद कर दे रहे हैं। तो कितना लोग अभी तक बीज बो लिया है और कितना लोग बाकी हैं? अभी मतलब कि 95% लोग बीज बो लिए हैं, 5% लोग ही बाकी हैं खरीद कर। हाँ, खरीद कर। फिर प्रखंड कृषि कार्यालय में जाकर किसान सलाहकार के ऊपर और किसानों पर शोषण करने का आरोप लगाते हुए यथाशीघ्र बीज वितरण कराने की मांग की है और पंचायत रुपुलिया के किसान सलाहकार जितेंद्र कुमार ने आश्वासन दिया कि बीज जल्द ही आ रहा है। 15 दिन बाद प्रखंड के किसानों को 300 किसान ने बीज लिया। जैसे कि 1515 रुपये में बिया और खाद मिलता जी, 1500 रुपये का चेक वापस होता जी। तो कितना जनता के जैसे हमने की रुपलिया पंचायत में कितना किसान के अभी तक बिया मिल पाएगा? बिया तो बहुत कोई लेके आई, तंजू देवी के वीडियो कोयले से मैंने बिया आ गई, बहुत खुशी की बात बा जब अपन गाँव पंचायत के लोग के प्रखंड के लोग के बिया मिलता, बहुत कोई गिरा रहा बा। बात से रोलो को खुशी बा? हाँ खुशी बा। हाँ 1355 रुपये मिला है, 100 किलो बीज है। कौन सी बीज है? 52। एक ट्रैक्टर से इसको खेती होगा, बीज उसमें लगा देंगे और मशीन से श्री बीज की तरह इनको रोपाई कर देगा। मजदूरा को इसमें कम खर्च है, मजदूरा उसमें नहीं लगेगा, इसी की वजह से हम लोग ट्रैक्टर से अपना बुआई कर लेंगे। चेक कितना मिला? चेक मिला 2000 का चेक मिला है, कृषि चेक है। ये बिया से उपज ज़्यादा होगा, घरेलू बिया से इसका उपज ज़्यादा है। तो आपको बीज मिला तो आप लोग का खुशी है ना, समय से आप लोग? हाँ, तो इसीलिए हम आए हैं। इसे पता चलता है कि सामूहिक ही प्रयास तेजी से बदलाव ला सकता है। मैं तंजू, पश्चिम चंपारण, बिहार से इंडिया अनहर्ड के लिए।